पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड नहीं आया, इसको लेकर क्रिकेट फैंस में तमाम बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया में तमाम जो फैंस हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जिसमें अब पाकिस्तान के पूर्व चेयरमैन रमीज रजा ने भी अपनी बातें कही हैं। रमीज रजा ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को देख रहे हैं और एक तरीके से उन सभी खिलाड़ियों का ट्रायल चल रहा है। रमीज राजा ने इस बात की चिंता भी जाहिर की है कि बाकी सभी टीमों ने T20 विश्व कप का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की ही टीम एकमात्र ऐसी बची है जिसने अभी तक अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है। पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम ने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीती है 2-1 से, जिसमें पहला मुकाबला जो है पाकिस्तान की टीम हार गई थी, जिसके बाद किरकिरी हुई थी पाकिस्तान की टीम की, लेकिन उसके बाद अगले दो मुकाबले जीतकर पाकिस्तान की टीम ने वापसी की है। अब पाकिस्तान की टीम 21 तारीख से इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचों की श्रृंखला खेलेगी, जिस T20 श्रृंखला को माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ये अहम तैयारियां होंगी और हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम उसी दौरान आ जाए। और पाकिस्तान की टीम के बारे में कहा जाए तो रमीज राजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाज इकोनॉमिकल नहीं हैं और विकेट जरूर चटका रहे हैं लेकिन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान के गेंदबाजों की। बल्लेबाजी की बात की जाए तो बाबर आजम जरूर अर्धशतकीय पारी खेली है उन्होंने पिछले मुकाबले में, और वहीं मोहम्मद रिजवान ने भी अर्धशतकीय पारी खेली है, लेकिन पाकिस्तान अभी एक टीम कॉम्बिनेशन तलाश रही है और अभी तक पाकिस्तान की टीम का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें बाकी 19 टीमों का ऐलान हो गया है, बांग्लादेश वो आखिरी टीम थी जिसने अभी हाल ही में अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान की टीम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब जगह जगह चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाओं का दौर है। ऐसे में पाकिस्तान के जो पूर्व चेयरमैन हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम कब तक ऐलान होती है और किस किस खिलाड़ी को पाकिस्तान की टीम में जगह मिलती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।